क्योंकि आपको आमंत्रण आया है और आप रामलला के दर्शन 22 तारीख को करने जाएंगे। अरे मेरे साथ जा रहे हैं भाई, क्या मांगेंगे आप रामलला से? देखिए, हर आदमी की आशा होती है, हम भी वहां जाएंगे, अभी तो कुछ बताएंगे नहीं। अभी मन का विचार क्या है, क्या मांगेंगे वहां आप? बताने की जरूरत भी नहीं है, हर आदमी की एक आस्था होती है, जब वहाँ पहुँचेंगे तो हमारे मन में जो ध्यान आवेगा वो जो है हम करेंगे। ये क्या राजू दास जी? नहीं नहीं, 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 नहीं मैं बताता हूँ। राजू दास जी जाएंगे तो इकबाल अंसारी के लिए क्या मांगेंगे वो आप बताइए। मैं अपने भाई इकबाल अंसारी जी के लिए मांगूंगा कि दुआ करें वहाँ पर, जब वो जाए तो वो दुआ करेंगे ओवैसी जैसे लोग, सफी वर्क रहमान जैसे लोग, जो हिंदू मुस्लिम करके जो ये कहता हो कि मैं मस्जिद जाऊंगा तो बाबरी मस्जिद के लिए मैं दुआ करूंगा, ये वहां जब जाएंगे तो ये दुआ करेंगे, इनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ही अल्लाह से प्रार्थना करें भाई, क्योंकि अल्लाह के नज़दीकी हैं, इनकी अल्लाह ज़्यादा सुनेंगे, हमारी तो सुनेंगे नहीं क्योंकि मेरी आस्था उसमें उनमें है नहीं, मेरा तो आस्था भगवान राम में है, तो मैं भगवान राम से प्रार्थना करूंगा, लेकिन इनकी आस्था अल्लाह में है, तो अल्लाह से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों को आप सद्बुद्धि दो, इस प्रकार से जो दंगा फैलाने का काम करते हो ना करें। इकबाल अंसारी जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जब आप जाएंगे तो अपने लिए क्या मांगेंगे, अब सवाल रिवर्स है, जब आप जाएंगे तो राजू दास जी के लिए क्या मांगेंगे? हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि पहले दूसरों का भला करो, अपना भला अपने आप हो जाएगा। तो राजू दास जी ने क्या मांगेंगे कुछ? राजू दास ने जो कहा वो सही कहा है कि जब दूसरे का भला करोगे अपना भला अपने आप हो जाएगा।